चैनल कुशवाहा ब्लॉग और आज हम लोग आए हैं बांद्रा के बैंड स्टैंड बीच में जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये रहा देखिएगा इस कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है। और ये करीब दोपहर के दो बजे का करीब का भीड़ है। शाम को तो और कुछ ज़्यादा ही भीड़ लग जाती है, बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है। बहुत कई लोग आते हैं ठंडी हवा घूमने सब देखने। देखिए कितना भीड़। और आगे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए गाइस, क्योंकि इसी ब्लॉग में आपको पार्क और किस चीज़ की शूटिंग हो रही है और सीलिंग देखने को मिलेगा। और ये देखिए रेखा के घर के सामने का व्यू। सीलिंग की कुछ तस्वीर जो कि कितना खूबसूरत सीलिंग है बांद्रा के बैंड स्टैंड बीच के सामने का सीलिंग। वाओ बहुत खूबसूरत, सामने से तो बहुत खूबसूरत लग रहा था, वीडियो में भी आप लोगों को शायद खूबसूरत लग रहा होगा। और ये सामने का पार्क है जो कि इसके बारे में भी आप लोगों को दिखाएंगे, पूरा वीडियो बना है इसके बारे में भी आप लोगों को दिखाएंगे। अभी आप लोग सीलिंग का नज़ारा लीजिए, सीलिंग कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये उसी समुद्र से सागर से सटा हुआ है, ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, कितना खूबसूरत। मैंने भी कुछ वीडियो क्लिप बनाई है, वो मैं ऐड कर देती हूँ, देखिए आप लोग। मैंने भी अपने हस्बैंड से बोला कि मेरा भी कुछ वीडियो बना दीजिए, तो मैंने भी अपना कुछ वीडियो बनाया है। और आगे आप लोग को पार्क है, ये देखिए पार्क। पार्क भी हमेशा भीड़ उमड़ी हुई रहती है। ये पार्क है ना कि शाहरुख खान के घर के ज़्यादा नहीं 100 मीटर की दूरी पर है। और इस पार्क की खूबसूरती बहुत सुंदर है, बहुत खूब सुंदर दिखता है। और यहाँ बराबर कुछ ना कुछ की शूटिंग चलते रहती है। और हम लोग भी आए तो ये देखे कि यहाँ भी कुछ की शूटिंग या फिर बोल सकते हैं कि शुरू हो रही थी शूटिंग। और हम लोग उसी टाइम पे पहुँचे, ये देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत। हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं था इसलिए हम लोग रुके नहीं देखने के लिए और निकल गए घर की ओर। और जैसे इस पार्क से हम लोग बाहर निकले, फ्रेंड द ताज लैंड इंड होटल है जो कि उसमें शादी की तैयारियां हो रही थी। और जैसे हम लोग निकले तो बारात जा रही थी, तो मैंने सोचा कि उसका भी वीडियो क्लिप कुछ ऐड कर देती हूँ, आप लोग इन्जॉय कीजिए। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और ये देखिए आगे द ताज लैंड होटल। और आगे आप लोग इन्जॉय कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।